दिस इज अजय एंड यू आर वॉचिंग इंग्लिश ब्रो। दोस्तों आज के लेसन में हम सीखेंगे वर्ब्स यानी क्रियाएं। क्रियाएं दोस्तों दो प्रकार की होती हैं, हेल्पिंग वर्ब्स यानी सहायक क्रियाएं और मेन वर्ब्स यानी मुख्य क्रियाएं। आज के इस लेसन में दोस्तों हम सबसे पहले जानेंगे हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में, और हेल्पिंग वर्ब्स में से मैं आज आपके लिए एक वर्ब चुना है जो मैंने, वो है टू हैव। दोस्तों देखते हैं टू हैव से हम किस प्रकार के वाक्य बनाते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम हैव का प्रयोग अधिकार या कब्जा बताने के लिए करते हैं, और हिंदी भाषा में आप गौर करें तो हम के पास ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं अधिकार बताने के लिए। पर ध्यान रखें कि के पास का मतलब नियर नहीं होता बल्कि कब्जा होता है। जैसे मैं कहूं कि मेरे पास मोबाइल है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे करीब मोबाइल है, बल्कि इसका मतलब है मेरे कब्जे में मोबाइल है, मेरा अधिकार है मोबाइल पर। तो दोस्तों हैव का इस्तेमाल हम अधिकार या कब्जा बताने के लिए, और नंबर दो हैव का इस्तेमाल हम रिलेशन यानी संबंध या रिश्ता बताने के लिए करते हैं। एक इंटरेस्टिंग बात जो मैं आपको बताना चाहूँगा वो ये है दोस्तों कि आपने एक मूवी काफ़ी समय पहले देखी होगी, अमिताभ बच्चन की दीवार, और उसमें एक डायलॉग था कि मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, मोटर चाकर है। तो दोस्तों इस तरह के वाक्य जो है वो हैव से ही बनेंगे, क्योंकि ये अधिकार या कब्जा बताने वाले वाक्य इस फिल्म में इस्तेमाल हुए हैं। तो आइए देखते हैं सबसे पहले हम हैव में किस प्रकार के वाक्य आज बनाना सीखेंगे, तो वो हैं सिंपल सेंटेंस। दोस्तों हम इसमें सकारात्मक वाक्य बनाना आज पहले सीखेंगे, और मैंने अपने पिछले लेसन में जैसे आपको बताया था कि अंग्रेजी भाषा को बनाने का जो एक फॉर्मेट है वो है सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। तो आइए इस फॉर्मेट के अनुसार हम हैव के वाक्य बनाना सीखते हैं। सबसे पहले आप देख रहे हैं सब्जेक्ट में मैंने चुना है आई, वर्ब के रूप में हम यूज कर रहे हैव, और ऑब्जेक्ट में आप देखेंगे टू ब्रदर्स, आई हैव टू ब्रदर्स। यह वाक्य हमें बताता है संबंध रिश्ता कि मेरे दो भाई हैं। दूसरा आप देखें यू वी दे, आप इन प्रोनाउन में से कोई भी प्रोनाउन यूज करें तो इसके साथ आप हैव का प्रयोग करेंगे। यू हैव बाइक, वी हैव बाइक्स, दे हैव बाइक्स। तो दोस्तों यहाँ पर जो हम बताना चाहते हैं वो ये कि तुम्हारे पास बाइक है, यानी कि हम यहाँ कब्जा बता रहे हैं। अगला वाक्य देखिए ही या शी या इट हैज कंप्यूटर, यानी कि उसके पास कंप्यूटर है। अगर वो पुरुष है तो ही, महिला है तो शी, और अगर न्यूट्रल जेंडर है तो इट का प्रयोग हम करते हैं। इसके बाद अगला वाक्य आप देख रहे हैं राम हैज अ सिस्टर। यहाँ पर राम जो है वो एक नाउन है जिसका हमने इस्तेमाल किया है। दोस्तों हमेशा ध्यान रखिए कि जब नाउन सिंगुलर यानी कि एक नाम आया हो तो हम हैज का प्रयोग करेंगे। और राम एंड श्याम हैव मोबाइल्स, अगला वाक्य जो है यहाँ आप देख रहे हैं कि जो नाउन है वो प्लूरल है, और प्लूरल नाउन की वजह से हमने इस्तेमाल किया है हैव। तो दोस्तों इस प्रकार हमने आज के वाक्य बनाना हैव से सीखे हैं, ऐसे वाक्य जो कब्जा अधिकार बताते हैं या रिलेशनशिप रिश्ता या संबंध बताने का कार्य करते हैं। आज के एपिसोड में हमने हैव से सकारात्मक वाक्य बनाने सीखे हैं, अगले एपिसोड में हम सीखेंगे नकारात्मक और प्रश्नवाचक वाक्य बनाना। तो दोस्तों जाने से पहले मैं आपको बताऊं कि दीवार मूवी के जो डायलॉग्स हैं वो आप इसी में बोल सकते हैं। मेरे पास गाड़ी है, आई हैव अ कार या आई हैव अ व्हीकल। मेरे पास बंगला है, आई हैव अ बंगलो। मेरे पास नौकर चाकर हैं, आई हैव सर्वेंट्स। तुम्हारे पास क्या है, व्हाट डू यू हैव। ये है इंट्रोगेटिव जो आप अगले एपिसोड में सीखेंगे, और अगला डायलॉग है मेरे पास माँ है, आई हैव माँ मदर। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आज का लेसन आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें और लाइक भी करें। तो दोस्तों आज का एपिसोड में समाप्त करता हूँ। हैव अ गुड डे।